नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन स्पोर्ट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ मोनिका कुकरेती। क्या वजह रही होगी उन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की जो मजबूर हो गए हैं बस ड्राइवर बनने के लिए? हम जिन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं अपने समय पर वो अपनी टीम का अहम हिस्सा रह चुके हैं। इनमें से ऐसे दो क्रिकेटर्स भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप तक खेला है, लेकिन हालात आज ऐसे हैं कि तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया में बस चलाने पर मजबूर हैं। इनमें से दो क्रिकेटर श्रीलंका के हैं जिनके नाम हैं सूरज रणदीप और चिंदिका जयसिंह। तीसरे खिलाड़ी हैं वो जिम्बाब्वे के हैं जिनका नाम है वॉडिंगटन वाइंगा। अगर बात करें सूरज रणदीप की तो इस वक्त वो 36 ईयर्स के हो चुके हैं और 2009 और 2010 में उन्होंने भारत के खिलाफ अपना वनडे और टेस्ट डेब्यू किया था। अगर बात करें उनके इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की तो वो 50 इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं जिनमें उन्होंने 86 विकेट्स लिए हैं। 2011 में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी वो श्रीलंका की टीम का हिस्सा थे। श्रीलंका की टीम उसमें रनर अप रही थी। अगर बात करें उनके आईपीएल करियर की तो 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 2 सीजन के लिए अपनी टीम का हिस्सा बनाया था। अब हम बात करते हैं दूसरे श्रीलंका के खिलाड़ी की जिनका नाम है चिंदिका जयसिंह। उन्होंने अब तक 5 इंटरनेशनल T20 खेले हैं। उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट करियर है वो ज़्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन जितने समय तक वो अपनी टीम के साथ थे उन्होंने उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के खिलाड़ी की तो उन्होंने 4 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं। वो अपनी टीम के ऑलराउंडर रह चुके हैं, लेकिन अब तीनों मजबूर हैं ऑस्ट्रेलिया में बस ड्राइवर बनने के लिए। तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मेलबर्न के फ्रांस ट्रांसपोर्टेशन में तीनों बस ड्राइवर्स हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने क्रिकेट वर्ल्ड को अपने स्टार क्रिकेटर्स दिए हैं, लेकिन अब हालात उन टीम की ऐसी है कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादातर निराशाजनक रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।